देर होना इसे कहते हैं, किसे कहते हैं, इसे कहते हैं। निकलना सुबह 10 बजे, अभी बज रहा है दिन का 1। तो वो सब छोड़ो, शुरू करते हैं आज का व्लॉग यार। वेलकम बैक टू हिमालयन रैप्टर एंड दिस इज़ माय फर्स्ट डे टू द राइड टू स्पीति वैली। और दिन के बज रहे हैं 1 और मुझे आज का डेस्टिनेशन कवर करना है, दैट इज़ नारकंडा। और आधे जो राइडर्स हैं मेरे को वो शिमला में मिलेंगे, पूरा शिमला तक मेरे को अकेले जाना है। ब्रीफ आपको और दे देता हूँ कि जो ये राइड है इसमें आई विल बी लीडिंग फ्यू राइडर्स फ्रॉम ऑस्ट्रिया, राइट। सो वो लोग हमें कल ज्वाइन करेंगे नारकंडा में, बाकी आज हमारी पूरी टीम वहाँ पे मिल रही है, हम सब वहीं पे असेंबल हो रहे हैं। सो विल प्रिपेयर फॉर टुमारो। और बस आज यही प्लान है कि बस टाइम से मैं नारकंडा पहुँच जाऊँ। बहुत ज़्यादा दूर है यार, अराउंड 270 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। और मैंने सुबह से फ़ोन भी नहीं चेक किया, डिस्टेंस वगैरह मैंने कुछ कैलकुलेशन नहीं की बिकॉज़ मैं बहुत लेट हो चुका था। तो अभी ये शहर की हसल बसल मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, बाकी अपडेट्स मैं आपको आगे देता हूँ। तो चलो फिर बीच में मिलते हैं, अभी देहरादून क्रॉस कर लें। एंट्रिंग हिमाचल पांवटा साहिब, दिस इज यमुना। हिमाचल इट इज़। तो अभी यहाँ से नाहन है 43 किलोमीटर्स। नाहन में मेरे को मेरे एक फ्रेंड मिलने वाला है, अविनाश भाई, तो उनसे मिलेंगे, उनके साथ लंच करेंगे। अब थोड़ी स्पीड मेंटेन कर पा रहा हूँ, अदरवाइज़ अभी तक तो बोटा तक तो बहुत ट्रैफिक मिला मेरे को, जगह भी नहीं मिली ठीक से बनाने की। दैट एक जगह मिली है गन्ने का जूस पी रहा हूँ, अभी बनने के लिए दिया है, राइट। तो अब यहाँ से क्या है, पहाड़ी क्षेत्र शुरू हो जाएगा एंड आई हैव स्टार्टेड क्लाइंबिंग नाहन। तो गन्ने का जूस पीता हूँ और एक दो फ़ोन कॉल करता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। चलो हाँ, मज़ा आ गया, बढ़िया साफ सुथरी जगह थी। गन्ने का जूस कभी कभार काम आता है, शुगर ना, शुगर हमेशा ख़राब नहीं होता। जूस पी लिया और निशांत भाई पहुंच चुके हैं सोलन, ऑलमोस्ट सोलन, और मैं तो अभी नाहन भी नहीं चढ़ाऊँ, तो मैं बहुत ही पीछे हूँ स्केड्यूल से। सेकेंडली निशांत भाई पंजाब से चंडीगढ़ से आ रहे हैं, तो उधर तो रोड्स बहुत अच्छी हैं एंड ही इज़ राइडिंग हिमालयन 450, तो वो तो खैर अच्छी स्पीड में आ सकते हैं। खैर अभी देखते हैं, क्या पता मैं कैचअप कर ही लूँ उन लोगों को, क्योंकि उन्हें शिमला में रुकना है एंड वो भी लंच करने के लिए रुकेंगे। सो फ्रॉम हियर शिमला इज 136 किलोमीटर्स, राइट। आई एम ऑलमोस्ट अप टू नाहन, मैं एक बार अविनाश को कॉल कर लेता हूँ और मिल लेता हूँ भाई से। तो विद दैट आई हैव रीच्ड नाहन एंड यहाँ से 138 है शिमला बाकी। आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड। वैसे प्लान था कि हम लंच करेंगे साथ में, बट लुकिंग एट द टाइम मुझे लगता नहीं लंच कर पाएंगे। अभी मैं बस मिलूँगा और फिर सीधा निकलूँगा। काफ़ी बोलने के बाद भी वो मान नहीं रहे कि कट कुछ खा के तो जाना पड़ेगा यहाँ से। मेहमान नवाजी में भाई एक नंबर है यार, बहुत बढ़िया भाई है ये। भाई यहाँ से देहरादून हमारी संडे राइड्स पे आते हैं सुबह सुबह और हमेशा टाइम पे होते हैं। सोचो 95 किलोमीटर चल के आते हैं राइड ज्वाइन करने। अपडेट देता हूँ आगे के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके बाय बाय, थैंक यू। सो इट वाज अ नाइस शॉट
मीट अप विथ आर फ्रेंड फ्रॉम नाहन। समय हो गया है 3:35, शिमला पहुंचने में भाई के हिसाब से मुझे लगेंगे 4 घंटे। 132 किलोमीटर यहां से शिमला भी है, राइट? तो 4 घंटे का मतलब समझ रहे हो, शिमला अभी बज रहा है 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 4 घंटे लगेंगे, वो भी अगर मैं नहीं रुका तो। काफ़ी देर से कोई माइलस्टोन नहीं दिख रहा था मुझे, तो मैंने 2 राइडर्स को रुक के पूछा कि सोलन कितना है। तो सोलन है 30 किलोमीटर यहाँ से, और शिमला पहुँचने में लगेंगे 1.5 घंटे, और मतलब कि 6 बजे। 1 बजे देहरादून से निकला था, उस हिसाब से 5 घंटे में मैं शिमला पहुंचूंगा, जिसमें मैंने अराउंड 1/2 घंटे का ब्रेक भी लिया, तो बढ़िया है, ठीक है, मतलब सही ट्रैक पे हूँ मैं। बाकी नथिंग इंटरेस्टिंग हियर, बढ़िया था पीछे वो ट्रेल बहुत बढ़िया था, बट अभी ज़्यादा वीलॉग करने का क्या बोलते हैं मूड नहीं है। मज़ा आएगा नारकंडा के बाद, नहीं तो अभी झेलो इस वाले को। फ्रॉम कुमार हट्टी आई टुक राइट एंड टूवर्ड्स दी 4-lane highway। मैंने ट्रैफिक पुलिस से पूछा कि कौन सा रास्ता बेटर रहेगा, तो ही सेड टेक दी 4-lane highway। सो हियर आई एम, कुमार 80 से आई टुक राइट। बढ़िया रूट है, चकाचक एकदम। चंडीगढ़ से आने वाले जो राइडर्स हैं वो इसी रूट से गए होंगे थोड़ी देर पहले। अब मुझे यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा फॉग लैंप्स का, वैसे तो मेरे फॉग लैंप्स विजिबल नहीं है, मैंने काफ़ी नीचे लगाए हुए हैं, बट फिर यहाँ थोड़ा सा है सीन फॉग लैंप्स लगाने का, है ना। एक तो ये भी मुझे पता नहीं, कई लोग बोलते हैं फॉग लैंप्स लीगल होते हैं अगर आप हेडलाइट से नीचे लगाएं, बट कुछ मालूम नहीं है। इफ़ यू नो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि व्हाट इज़ द एक्चुअल गाइडलाइन टू यूज़ फॉग लैंप्स। एक तो वो होती है कि कवर करके रखना चाहिए दिन में फलाना फलाना, तो मेरी कवर्ड भी नहीं है। रोड्स बढ़िया है, पर सोलन 11 किलोमीटर रहता है यहाँ से, शिमला 60 किलोमीटर रहता है। रीच्ड सोलन और टाइम से पहुँच गया हूँ, मुझे लगा था काफ़ी देर लगेगी बट नहीं, अब यहाँ से अच्छा हाईवे है तो मुझे शिमला पहुँचने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बढ़िया दिख रहा है यार सोलन ना, काफ़ी बड़ा शहर है पहाड़ों के ऊपर, और पूरा पहाड़ ऐसा दिखता है, मतलब पहले ही हरा होगा और अब ये कंक्रीट से भरा हुआ है, बट बीच में हरियाली के बीच में वो घर ना बड़े सुंदर लगते हैं देखो। और ये हाईवे बहुत गजब है यार, 4-lane highway है, निश्चिंत बाइक भगाओ, मतलब भगाना ही नहीं है, बी इन योर स्पीड लिमिट्स, बट हाँ ये है कि आराम से चल सकते हैं। नाहन से सोलन लगे 2 घंटे। अभी शिमला रहता है अराउंड 14 किलोमीटर्स, मैं एक छोटे से टपरी में रुका हुआ फॉर अ कप ऑफ टी एंड मैगी खा के फिर चलेंगे आगे।
शिमला अराउंड 15 मिनट्स मुझे लगेंगे, उसके आगे अभी नारकंडा है 65 किलोमीटर्स अराउंड। राइट, दो तीन फोन कॉल्स करते हैं, कुछ खाते हैं। देख रहे हो यहाँ पे हेलमेट का मार्क कैसा पड़ेगा, वो खाते भी थोड़ा सा, बहुत देर से कुछ नहीं खाया था तो थोड़ा सा पेट पूजा, फिर आगे चलेंगे। ठीक है भैया, मैगी बना रहे हैं अभी, बढ़िया एग बना दे, एग मैगी जल्दी बना दे, एग और पॉइंट ले, पैसे काट ले। दैट्स अ मोटरसाइकिल, इसको थोड़ा सा रेस्ट देना जरूरी है यार, बहुत देर से नॉन स्टॉप चल रही है। देखो सूरज इधर कहीं है, इधर बादल लग गए हैं, इधर क्लियर है, अगर बादल ना होते तो अभी रोशनी होती प्रॉपर। राइट, और ये सामने है आपका शिमला, ये रहा। अरे चाय पी जाए, ये देख रहे हो ये एयर स्ट्रिप है यहाँ की, कह रहे सुबह 8:30 बजे प्लेन लैंड होता है, बढ़िया लगता है, सही में अच्छा व्यू आता होगा। ये देख रहे हो टायर दोनों तरफ से काला है, समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? जो समझ गया वो कमेंट सेक्शन में टाइप करो। वैसे मैगी बढ़िया, एग मैगी बनी है, खाते हैं एंड आगे अभी खा के फटाफट निकलता हूँ, क्योंकि निशांत भाई का फ़ोन आ रहा है कि वो लोग शिमला में ही वेट कर रहे हैं। अभी अच्छा लगा है ब्रेक लेके, बहुत देर से मैं चल रहा था और काफ़ी भूख लग चुकी थी मुझे, तो अभी ठीक है, अब मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ। निशांत भाई के 3-4 बार फ़ोन आ चुके हैं, भैया ब्रेक भी ज़रूरी था। राइट, चलते हैं निशांत भाई से मिलते हैं, फिर उसके आगे का सफ़र पूरा करते हैं, क्योंकि नारकंडा डेफिनेटली काफ़ी अंधेरा हो जाएगा हमें पहुँचते। तक खूबसूरत सनसेट है, निशांत भाई की लोकेशन आ गई है मेरे पास। राइट, 27 मिनट्स दिखा रहा है 6 किलोमीटर जाने के लिए, देख रहे हो हालात बिल्कुल रेड है भैया, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ये देखो। अरे भाई और यहाँ पे पता है एक सीन और है, अगर लाइन तोड़ के आगे जाओ ना तो चालान भी मस्त मारते हैं, इधर चालान वालान का सीन बहुत ज़्यादा है। वैसे ठीक भी है यार, वन शुड बी इन देयर ओन लेन। राइट, गूगल मैप पता नहीं क्यों शिफ्ट नहीं हो रहा है लैंडस्केप मोड में। सो इट्स 7 इन द इवनिंग एंड इट्स ऑलमोस्ट डस्क, अंधेरा होने ही वाला है। डैम इट शिमला, ऑलमोस्ट मैं निशान भाई के पास पहुंच गया हूं, अभी आगे फ्यूल अप करवाएंगे फिर आगे चलेंगे। देर आर द बाइक्स, हे फ्रेंड्स हम आ गए शिमला, अभी अभिनव भाई लोग निकल चुके हैं नारकंडा के लिए, काफ़ी देर हो गई है वैसे तो, और काफ़ी अंधेरा भी हो गया है। दोनों बाइक्स मेरे पीछे हैं, एक है GT 650 एंड एक है हिमालयन 450। अंधेरा काफ़ी हो गया है, नारकंडा वाले रूट पे हम लोग हैं और अभी गूगल मैप्स के हिसाब से 1 घंटा 10 मिनट लगेंगे हमें पहुंचने में। मुझे कब नहीं पता। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रात के 2:30 बज रहे हैं